वेलकम ऑल, सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज डॉक्टर जिग्ना देसाई, फाउंडर ऑफ हीलिंग वॉल 808। वेल, आई एम ए साइकिक रीडर, टैरो रीडर, न्यूरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, हीलर एंड इनटू मल्टी मोडालिटीज। वेल, मैं आप सभी के सामने आज फिर से हमारा जो कनेक्शन है वो सुशांत जी के साथ आज मैं करने जा रही हूँ। देखते क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो ट्राई टू कनेक्ट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप लोगों को जैसे पता होगा, मैं बहुत रेगुलर ये वीडियोस नहीं बनाती हूँ। आप मेरे अगर यूट्यूब को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा बाकी सारे वीडियोस मेरे आते रहते, बट ये मैं बहुत कम बनाती हूँ। सो वेल, हमेशा इसके पीछे मेरा मोटिव रहता है। मोटिव इन द सेंस, जैसे लास्ट टाइम भी, फर्स्ट टाइम भी था तो मुझे उनका ड्रीम आया था, यू नो तभी मैंने जाके बनाया था। सेकंड टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तभी जाके बनाया था। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था, बिकॉज मैंने सोचा इसको मुझे ज़्यादा नहीं खींचना। फिर आई वॉज बिजी विथ माई वर्क एंड ऑल। सो द थिंग इज दैट अभी भी लाइक अभी उनकी देखो कहाँ पे समय चला जाता हमें पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते एक साल हो गया, ठीक है। सो तभी मुझे बहुत फिर वापस से जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था, फिर से उन्होंने मुझे बोला कि मतलब दैट पर्सन वॉज वेरी अटैच कि मैं ये चीज़ किससे शेयर करूँ। ये चीज़ ऐसी है जो कोई नॉर्मल बंदा नहीं समझ पाएगा। सो दैट पर्सन ट्राई टू शेयर विथ मी कि उसको इतना अभी भी तकलीफ हो रहा है सुशांत जी के फोटोज़ वगैरह देख के। मैंने बोला हाँ वो तो है भाई, हम जितना उनको अभी भी देखते कहीं ना कहीं अभी भी हमारे दिमाग से वो गए नहीं है, ठीक है। सो और मैं भी कर रही थी, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पसंद है, जबकि मैं खुद भी बहुत रोई हूँ। बट द थिंग इज जितना उनको मैं देखती हूँ तो मुझे वो याद आते हैं, फिर और ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे इसके लिए। यू नो जो हमसे दूर चले गए, मैं मतलब जो हमारे या तो दिल के बहुत करीब थे, सो आई ट्राई टू रिमेंबर देम हैप्पीली। तो उनको देख के अगर वो सारी चीज़ें हम याद करते रहे तो बहुत तकलीफ होती है कि मतलब हाउ कैन दिस हैपन, क्या ये सच है बात। तो ये चक्कर में मैं फिर बहुत ज़्यादा ये नहीं करती कि मैंने उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं कहाँ तक सीन पहुँचा। मुझे आज के तारीख में मुझे पता नहीं है उनका कहाँ तक सीन पहुँचा। मैं अपने जो क्लाइंट्स या फॉलोअर्स हैं उनको मैं पूछ लेती भाई अभी क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं सुशांत सिंह जी के बारे में, क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं देखती, क्योंकि मैं नहीं देख पाती। बिकॉज बीइंग अ हीलर, आप लोग का भी ऐसे ही दिल का यही हाल होगा, ठीक है। तो वैसा ही मेरा, इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ दूर जाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना वो जब टाइम आता है तब आ ही जाता है। तो वैसे ही उनका जब भी अभी एक साल उनका हुआ तो अगेन सामने से चीज़ें आने लगी। तो मैंने अगेन उनको बोला था कि सुशांत जी अगर आप मेरे ड्रीम में आते हो या ऐसा पूछे तभी मैं बनाऊंगी। लेकिन पता नहीं मुझसे वो एक दिन का भी इंतज़ार नहीं हुआ, बस मुझे लगा नहीं बस आज ही बनाना। जब वो टाइम आता है ना तब हम कुछ सोचते नहीं, वरना हमारे पास टाइम भी होता तो हम नहीं बनाते। सो एवरीथिंग इज़ डेस्टिनी। तो ऐसा लगा जैसे मैंने एक सेकंड के लिए आँख बंद करके उनकी परमिशन मांगी कि आप मैं सुशांत जी बनाऊँ आपके लिए, वुड यू लाइक टू कनेक्ट। सो लाइक ही वॉज स्माइलिंग, उनकी जो ब्यूटीफुल स्माइल है, आई कुड अभी भी मैं जब बोल रही हूँ तो आई कुड फील हिम, आई कुड सी हिज स्माइल, यू नो जस्ट गो है। सो इसके लिए मैं आज सभी के सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। सो मुझे खुद को भी नहीं पता है क्या मैसेज मिलने वाला है, क्या होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी, एक साल हो गए, एक साल खींच लिया है। और ये वन मोर थिंग, मेरे किसी वीडियो में किसी ने, एक बंदे ने कमेंट में डाला था, तो उन्होंने मुझे बोला था मैडम आप ये देख लो, किसी साइकिक रीडर का ही उन्होंने वीडियो डाला था, आप देख लो ये सही है कि नहीं। तो आई रियली अप्रिशिएट, मैं सभी मेरे जो वेल विशर्स है, मेरे जो फॉलोअर्स है जो बहुत ही चार से मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूँगी। कि देखो यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक साइकिक की एबिलिटीज अलग अलग होती है, तो यूजुअली कोई गलत नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें वो दिखती है, ठीक है। सो आई वुड नॉट से कि कोई यहाँ पे गलत है या वो रॉन्ग है, क्योंकि उनको वो चीज़ें दिख रही है, ठीक है। क्योंकि देखो हो सकता है मार्केट में कोई मेरे बारे में ऐसा बोले कि भाई ये क्या बोल रही है, तो रैदर नॉट गेटिंग इन टू ऑल दिस थिंग्स,
हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती है, वो शक्तियों से वो लोग कनेक्ट करते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी प्योर थिंग. सो हम ये सब में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है. सो जो मुझे रियलिटी मुझे आएगी मैं वही आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ मेरी वीडियो को हमेशा लाइक करते रहे, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है सुशांत जी के वीडियो जब तक बन रहे थे तभी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बने, फिर जैसे ही उनके वीडियो मैंने डालना बंद कर दिए तो सब्सक्राइबर्स कम हो गए. तो मैं मेरे फॉलोअर्स से, मेरे वेल विशर्स से यही कहना चाहूँगी, आप लोगों की वजह से ही हम लोग को इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम बनाए. तो सब्सक्राइबर्स कम होते तो हम लोग को भी थोड़ा डीमोटिवेशन होता है, ठीक है. तो आप ऐसा मत करें, जो हम लोग करते हैं बहुत ही दिल से करते हैं, बहुत मेहनत से एनर्जी हम लोग लगा के करते हैं. तो आप लोग का प्यार हमेशा बना के रखिए, ठीक है. अभी आगे हम चलते हैं, वी स्टार्ट विद द सेशन एंड लास्ट में मैं उनके स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगी जो भी मुझे लिख के आएगा, ठीक है. तो चलते हैं, अभी यहाँ पे मैं पॉज करके विल स्टार्ट राइटिंग. सो नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट विद सुशांत सिंह. Him all my God, goddesses, angels, Michael, Marlin, please connect me to Sushant Ji's soul. Ready to answer? Yes. Yes. Go ahead. Sushant ji, sorry I'm connecting you after long. So do you have a message for your followers, for your friends? They are still in love with you. They are missing you a lot. You are there in everybody's heart. What message do you have for your friends? वो लोग अभी तक भुला नहीं पाए आपको. क्या मैसेज आप देना चाहते हो? एंड ये क्या लगता है आपको? आपने लास्ट टाइम बताया था कि हो जाएगा 2 महीने में. सो वॉट डू यू थिंक? ये केस ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है CBI के अंदर है जितना मुझे पता है, एंड स्टिल चालू है. तो आपको क्या लग रहा है? हाउ मैनी मर्डरर्स वर देयर? आई नो, सॉरी, आपको बहुत तकलीफ हो रही है. हर कोई एक ही एक सवाल पूछ रहा है. मुझे खुद को भी ये लग रहा है मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों पूछ रही हूँ. आई एम सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू. सुशांत जी प्लीज़ बताइए, वेयर आर यू? I am in heaven. But Sushant ji, have you reincarnated? क्या आपने वापस से जन्म ले लिया है? No, not at all. Until I don't get justice, I can't take birth. Oh. Sushant ji, but what I saw and I heard in some of the videos, I don't know. It was like you reincarnated in a form of a girl and then a boy. I really don't know, but I just saw from some video. Otherwise, I never see any videos. No, no,
नो कैन यू सी गाइज कितना स्टबन होके वो लिख रहे हैं, बहुत जोर मेरे हाथों पे इतना प्रेशर आ रहा है। सुशांत जी आर यू ओके टू गिव अ मैसेज या हम ये बंद कर दें सेशन, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू बिकॉज मैं खुद समझ पा रही हूँ इतना मुझे हाथों पे फुल आ रहा है। सुशांत जी आर यू सुशांत राजपूत, आई वॉन्ट ओनली प्योर सोल ऑफ सुशांत राजपूत, गिव मी अ हिंट दैट इट्स यू ओनली। यस आई एम फेड अप नाउ। सुशांत जी आई कैन फील द प्रेशर इन माई हैंड, जस्ट गिव मी अ हिंट दैट इट्स यू, वॉट यू वॉन्ट, माई हैंड इज पेनिंग, आई कॉन्ट टेक द पेन। सुशांत जी थैंक यू सो मच। सुशांत जी सुशांत जी प्लीज काम डाउन, आई कैन फील योर पेन एंड एवरी टाइम पीपल कनेक्टिंग विथ यू इट्स स्टिल डिफिकल्ट। I'm really sorry, apologize if even I have bothered you. Nothing like that. Like that. Okay, Sushant ji. So please tell me something about you. I really don't know what's going there in media or in the newspaper, क्योंकि मैं नहीं सब पढ़ती हूँ, क्योंकि I really feel painful when I read all these things. So मैंने काफ़ी टाइम से आपका वीडियो बनाने के बाद कनेक्ट करना छोड़ दिया है, neither I am looking at the news or any videos. ये तो मुझे आपके किसी फैन ने मुझे बोला, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप ही प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है। सुशांत जी डोंट वरी, आपको वेरी सून यू विल बी रिकॉनेक्टिंग एंड एज अ वेरी अ गुड ह्यूमन बींग वंस अगेन एज यू आर ऑलवेज, देर इज समथिंग स्पेशल फॉर यू, ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ सोच रखा है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा जो अभी आने वाला होगा। सुशांत जी प्लीज़ कुछ बताइए, मुझे लोग बोलते हैं कि किलर्स के नाम बताओ, किलर्स के नाम बताओ, मैं कैसे बताऊं? ना मैंने कभी आपको पूछा है, ये मिस्ट्री कभी सॉल्व होगी सुशांत जी? एंड टेल मी वॉज देयर एनी कनेक्शन ऑफ दिशा विद योर मर्डर? 50-50 नॉट कंप्लीटली ओके। Was she pregnant that time when she died? Yes. She died. She was hurt. Was hiding. Okay. So is there any hint who is behind all this thing? कोई क्या कोई है, आप ही का कोई क्लोज इन्वॉल्व है इसमें? यस वेरी क्लोज ऑफ माइंड इज इन्वॉल्व इन माय मर्डर। सुशांत जी आप प्लीज बताइए, पता नहीं मुझे खुद को भी बहुत अजीब लग रहा है पूछते हुए, मुझे पूछना भी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता है। कैन यू गिव सम हिंट ऑफ द नेम ऑफ द किलर्स? मैं नाम नहीं पूछूंगी, ना मैं यहाँ पे ओपन फोरम में पूछना चाहूंगी, ना बताना चाहूंगी। क्या आप कैसे आप ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए आप बताइए। लेट पीपल fight for me, keep loving me, I feel blessed
when after death also all loves me so much. Yes, सुशांत जी, आप किसी के दिल से गए नहीं हो, ना कभी जा पाओगे. आप जब तक हम जिएंगे तब तक आप हमारे लाइफ, हमारे दिल में हमेशा रहोगे. मैं खुद आपको इतना मैं याद करती, आपका वही चेहरा, इनफैक्ट आपकी वो जो लास्ट मूवी बनी थी, इवन इट वाज अ ग्रेट सक्सेस. अब मानोगे नहीं, मैं वो मूवी मैं अभी देख नहीं पाती हूँ. अभी इतना स्ट्रेस चल रहा है कोविड का, मैं वो मूवी भी देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो देख के और दुख होता है आपको याद करते हुए. सो इट्स वेरी पेनफुल सुशांत जी. काश रिवाइंड हो जाता, हम पास में चले जाते और वापस आ जाते. आई नो विच इज़ नॉट पॉसिबल. वी वॉन्ट यू टू कम बैक अगेन विद द फेस ऑफ सुशांत. वी वुड रियली प्रे गॉड, हे भगवान, आप इनको वही चेहरा देके फिर से, मेरी तो यही इच्छा है, बहुत ही बड़ा इंसान बनाना, बॉलीवुड में फिर से लेके आना इनको. यही उनके लिए बेस्ट गिफ्ट रहेगा. सुशांत जी, एनी हिंट द किलर्स, थ्री किलर्स, ही हैज रिटन द नेम्स अल्फाबेट्स एम एन एच. मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ. यस, दे आर इन्वॉल्व. आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू इन ट्रबल. As you said, so not giving names. Thank you, Sushant ji, for understanding me. Thank you so much. Sushant ji, anything else? How can I help, or how can I send your messages to the media? Really, people are trying their best. आपके लिए सभी लोग लड़ रहे हैं, फैन फॉलोइंग क्लब है, सब कुछ कर रहे हैं. What else message do you have for your family? I don't know कैसे उन तक पहुँचेगा, but still, my love, each and every follower from my heart. And my love to my father. Sure, I hope this message will reach. Please, any one of you, if can send a message, you can send to his family, especially for his father. I don't know, but I could see his father's face right now. Sushant ji, anything else you would like to say? What else? Everywhere corruption, when no proof left for my murder. Sushant ji, do you think anything is there still which can give a hint or proof to the CBI? Yes, in my old house they will get. I don't know, Sushant ji, did you ever had an old house? Sorry, but I'm just your loving friend, but isse zyada mujhe aur kuch nahi pata hai. My old house. Thank you, Sushant ji. Anything else? मैं लाइव नहीं जा रही हूँ, बट फिर भी कुछ मैसेज है कि आपको अपने फैन फॉलोअर्स के लिए. एनी थिंग एल्स विच
यू कैन थ्रो सम लाइट, यू नो, जस्ट थ्रो सम लाइट, व्हाटएवर यू फील लाइक. वी वांट यू टू सी यू सून रिकार्नेटिंग. यस आई विल बी बैक आफ्टर यर्स फॉर श्योर. सुशांत, थैंक यू सो मच सुशांत. नाउ आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू विदाउट राइटिंग. सुशांत जी प्लीज होल्ड. सुशांत जी एज आई सेड आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू. Initially, I did with automatic writing, now with the mediumship. As I can see you with your same beautiful smile, you are such a genuine soul, Sushant ji. Still, you are smiling. How it could be? I don't know why people like you go away so fast. Friends, I can literally see him. He is in some white t-shirt and maybe a black pant or something like that. उनके वही जो हिबाल की स्टाइल है, उनके जो स्माइल है उनकी, is so smiling. सुशांत जी क्या कहना चाहोगे आप? कितने लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं? एंड सॉरी अगर मुझसे कहीं पर कुछ गलती हुई होगी तो. मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं करूँ ये सब, बट आपके फैन फॉलोअर्स इतने हैं कि आपकी दो तीन दिन से आपकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उसके बाद से लगातार मेरे सामने आपके फोटोज आ रहे हैं. आई कुड रिमेम्बर योर डेथ. आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का एक मैंने पिक देखा हुआ है, मेरे सामने अभी वही आ रहा है, येलो बाइक पे आपका फोटो है स्पेक्स में. यू लुकिंग सो चार्मिंग सुशांत जी. आई कैन सी यू विद द विंग्स. यू आर एंजल. यस यू आर एंजल. सुशांत जी आपको और कुछ बोलना है? मैंने मोस्टली तो सारा ऑटोमेटिक राइटिंग ही पूछ लिया है. अभी देखते हैं, जब भी आपकी इच्छा होगी तब हम कनेक्ट करेंगे. बट इसके अलावा एंड स्टिल सॉरी अगर मैंने आपके खिलाफ जाके, आपके परमिशन के खिलाफ जाके अगर ये सेशन किया होगा, तो अगर आपको नहीं पसंद आया होगा या एनी थिंग, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई रहेगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना. बट आपके फॉलोअर्स इतने, आपके चाहने वाले इतने कि वो लोग हमेशा राह देख के बैठे रहते हैं कि मैडम आप कब कनेक्ट करोगे. सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ देम, योर लव बैक. क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम एक माध्यम है तो हमारे थ्रू उनको आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, तो इनसे उनको वो तनिक भर की भी अगर खुशी मिल जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज आई नो, आई सीन पीपल जो लोग अभी भी रो रहे, आपकी डेथ एनिवर्सरी है तभी भी लोग रो रहे, तो मुझसे लोग बात कर रहे थे कि मतलब इतना उनको तकलीफ हो रहा था कि मतलब वो लोग देख नहीं पा रहे थे. अब सोचिए एक साल के बाद भी. सुशांत जी कैन यू से एनीथिंग एल्स? आपको कुछ बोलना है फॉर एनीबडी इन योर लाइफ? Yes, I loved everyone, but all cheated with me. किसी पे भरोसा करने लायक नहीं. अच्छा हो गया मैंने ये दुनिया छोड़ दी. ऐसे लोगों के बीच में जीकर भी मैं क्या करता? हाँ,
बट दुख होता है मुझे जब मेरे फॉलोअर्स फैन फॉलोअर्स मेरे पीछे इतने लोगों की जान चली गई, वो देख के मुझे दुख होता है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। सुशांत जी आई नो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ, एक आम इंसान मतलब आप जैसे इतने बड़े कलाकार मतलब जिनका इतना मतलब लोग क्या नहीं करते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, बस आप एक एंजल बन के रहिए, सभी को अपने ब्लेसिंग्स देते रहिए, जो भी आपके फैन फॉलोइंग है उनके ड्रीम्स में आके उनको अपनी स्माइल देते रहिए ऐसे जैसे मुझे आप दे रहे हो, तो उनको बहुत खुशी मिलेगी। एंड मैं ईश्वर से दुआ मांगूंगी, या तो आप एक सोल स्टार बन के एंजल बन के रहे, अर्थ एंजल बन के जो लोगों की हेल्प करे, एक प्योर एंजल बन जाए जो आप पहले थे एंड वही रहे, या आप जल्दी से आपको मोक्ष मिल जाए, आपके सारे जो भी केसेस सॉल्व हो जाए एंड यू रीकार्नेट वंस अगेन, जैसे रियलिटी मूवीज में होता है वैसे आप आइए। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू, ऐसा मुझे जैसे लग रहा है लिटरली मूवी की तरह आप वापस जन्म लेके आ रहे हो। सुशांत जी आई कुड जस्ट सी योर हाउस, आपकी बालकनी मुझे दिख रही है, ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा लगाव था आपके वो बालकनी से, आपका जो वहाँ पे बड़ा सा टेलीस्कोप आपने लगाया था मुझे वो दिख रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जान बसी है उसमें। अभी तो आप पूरी यूनिवर्स का भ्रमण कर सकते हो। आई जस्ट प्रे गॉड जल्दी ही आपको मुक्ति मिले और जो भी आपके किलर्स है जो भी इसमें इन्वॉल्व है सभी को सजा मिले। थैंक यू सुशांत जी फॉर बीइंग देयर। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग मी एंड बस ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अगर ना अच्छा लगा तो प्लीज़ इग्नोर इट अननेसेसरी के। देखो ये बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही लोग जज्बातों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं खुद भी इमोशनली अटैच हूँ इनसे, तो अननेसेसरी फालतू के कमेंट्स नहीं डालना, जस्ट इग्नोर इट, अब वॉच मत करो वीडियो, अगर आप उनको प्यार करते हो तो ही ये वीडियो देखना बस, और अच्छा लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप सभी लोग कोरोना में सेफ रहना एंड ऐसे ही आपका प्यार उनके लिए बना के रखना, आप उनको खुशी से याद करो, ज़्यादा उनको रो के मत याद करो वरना उनकी आत्मा को भी दुख होगा, खुशी से याद करो और प्रे करते रहो को उनको जल्दी जस्टिस मिल जाए, बस उनकी स्माइल को याद करो। मैं उनकी स्माइल को याद करती हूँ, जितना मैं उनको दुखी देखती हूँ ना और दुख होता है, हम अपनी लाइफ में भी हम को ट्रबल होगा स्ट्रेस होगा, और आई एम श्योर कि सच ए नाइस सोल वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके फैंस दुखी हो कभी, तो आई विश रिक्वेस्ट एवरीबडी जो भी उनको चाहते हैं बहुत ही खुशी से उनको याद करो, उनके पल याद करो, मुझे अभी घड़ी घड़ी सिर्फ उनकी स्माइल दिखाई दे रही है, ऐसे ही याद करो। थैंक यू सुशांत जी, मैं क्या बोलूँ, मुझे सिर्फ उनकी स्माइल दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो मेरे मुँह से वो इमोशनल लुक से मेरे मुंह पे स्माइल आ गई, तो मतलब आप ऐसे ही उनको याद करो और उनकी बस उनको जल्दी से ये उनके जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उसमें से उनको बाहर निकालो और जल्दी से उनको उनका रीबर्थ हो जाए। सभी को मेरा नमस्कार, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय गॉड गॉडेस मर्लिन। ये मेरे सारे मैंने जो पहले फ़ोटो में लगाए थे मेरे जो एंजल्स हैं गॉड है उनसे उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे हूँ आप सभी के सामने, सभी को मेरा नमस्कार।